भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के वाइस कैप्टन। जिनके मधुकर रहाणे का जन्म 6 जून को 1988 में अश्वी केडी नाम के महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में एक मराठन फैमिली में हुआ था। इनके पिता माधुकर बाबूराव जी जब यह 7 साल के थे तब इन्हें पहली बार डोंबिवली में एक छोटे से क्रिकेट कैंप में ले गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनका बचपन काफ़ी गरीबी में बिता है और इनके परिवार की आर्थिक स्थिति उन दिनों कुछ अच्छी नहीं हुआ करती थी और दोस्तों इसी के चलते इनकी माता सुजाता जी इन्हें रोज़ाना ट्रेन के थ्रू ही इनके स्कूल और इनके कैंप ले जाया करती थी। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके एजुकेशन की तो इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई SV जोशी हाई स्कूल डोंबिवली से की थी। दोस्तों अजिंक्य रहाणे क्रिकेट के साथ साथ बचपन में कराटे में भी इंटरेस्ट रखते थे और इन्होंने कराटे में ब्लैक बेल्ट भी अपने नाम किया था। दोस्तों अगर हम बात करें इनके करियर के टर्निंग पॉइंट की तो इनके करियर में टर्निंग पॉइंट 2007 की शुरुआत में आया था जब इन्होंने इंडिया अंडर 19 के लिए न्यूजीलैंड अंडर 19 के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था जिसके चलते इन्हें MA चितंबरा ट्रॉफी फॉर बेस्ट अंडर 19 प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। जिसके बाद दोस्तों इन्हें मोहम्मद निजार ट्रॉफी के लिए भी शामिल किया गया था जिससे इन्होंने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू किया था। और दोस्तों इन्होंने डेब्यू पर भी 143 रन्स बनाए थे और अपना रणजी डेब्यू भी दोस्तों इन्होंने इसके बाद कर लिया था और फिर रणजी ट्रॉफी के अपने दूसरे ही सीजन में इन्होंने 1090 रन बनाए थे जिसके बाद इन्होंने फिर इमर्जिंग प्लेयर टूर्नामेंट में भी 2 शतक जमाए थे जिसके चलते इन्हें टीम इंडिया में ODIs के लिए शामिल कर लिया था जिसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। दोस्तों इन्हें यूं तो टेस्ट डेब्यू के लिए नवंबर 2011 में शामिल कर लिया गया था लेकिन इनके ODI और T20 में अच्छे परफॉर्मेंस ना देने के कारण इन्हें टीम के साथ ही 16 महीने तक रहना पड़ा बिगर डेब्यू करे ही। फिर दोस्तों इन्होंने 22 मार्च 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और दोस्तों अपनी मेहनत के दम पर ही अजिंक्य आज टीम का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ टीम के टेस्ट वाइस कैप्टन भी हैं और इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी फैमिली की तो इनकी फैमिली में इनके अलावा इनका एक भाई, इनकी एक बहन, इनके माता पिता और इनकी पत्नी राधिका हैं। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।